श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग श्लोक नंबर 26। 25वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि आदमी को कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे लोभी आदमी करता है, क्योंकि उसकी फल में आसक्ति होती है। सज्जन पुरुष को फल में आसक्ति को छोड़ करके वैसे ही लगन के साथ काम करना चाहिए। अब 26वें श्लोक में एक और व्यवहारिक सलाह देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, समझदार आदमी जो उनसे करवाना चाहता है वो काम खुद करके दिखाए। श्लोक इस प्रकार है, न बुद्धि भेदम जानिएत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जानिएत, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, शुड नॉट डिसरप्ट माइंड, किसका? अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की, इग्नोरेंट पीपल अटैच्ड टू रिवार्ड। जोशियत सर्वकर्माणि, उनसे भी सभी काम वैसे ही करवाए। शुड इंस्पायर द इग्नोरेंट, विद्वान युक्त है सावधान ज्ञानी पुरुष, इल्यूमिनेटेड कॉन्शसली एंगेज्ड इन वर्क, समाचरण अच्छी तरह से करता हुआ, प्रैक्टिसिंग वेल। भावार्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। इंग्लिश, द माइंड्स लेट नॉट वाइज कन्फ्यूज ऑफ दोज इन कर्माज फॉन्ड एम्ब्रेस, बट लेट देम द प्रॉपर मूड इंड्यूस बाई डूइंग वर्क इन सेल्फलेस ग्रेस। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख भोग मान बढ़ाई धन दौलत जमीन आदि की प्राप्ति करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उन्हें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए और कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुष वर्तमान स्थिति से भी गिर जाए। विद्वान व्यक्ति को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। अब ये बुद्धिभेद कैसे पैदा होता है, इसके उदाहरण ऐसे, कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए। ऐसा उपदेश देने से या आचरण करने से दूसरों में कर्मों के प्रति श्रद्धा और अविश्वास उत्पन्न करना, बिना फल की इच्छा के लिए कर्म कैसे हो सकता है? स्वार्थ के बगैर तो कर्म संभव ही नहीं है। फल की इच्छा ना करें तो फिर कर्म ही क्यों करें? या फिर ये कहे, जब तक भगवान में ध्यान नहीं लगता मुंह से राम राम जपने या माला फेरने से क्या होता है, इसका कोई फायदा नहीं। ऐसी बातें सुनकर साधारण लोगों में आसक्ति तो छूटती नहीं, पर वे जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे फल की इच्छा से ही सही, उसे जरूर छोड़ देते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष को उदाहरण के द्वारा सिखाना चाहिए, प्रवचन या उपहास के द्वारा नहीं। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता,
उसमें कुछ न कुछ गुण तो रहते ही हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को यदि कोई शिक्षा देनी हो या बात समझानी हो तो उस व्यक्ति की निंदा अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उसे वह सहजता से ग्रहण कर लेगा। समाज और परिवार के मुखिया लोगों को इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। श्रद्धा पर ना चोट करे।